चलिए आपको सीधे ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश के विकास की गौरवशाली यात्रा में एक और अविस्मरणीय पल जुड़ा, जिसमें विकसित भारत की संकल्पना को नया आयाम देते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय कोलकाता, हावड़ा, पुणे, कोची, आगरा और गाजियाबाद में 15,400 करोड़ की लागत वाली महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजनाओं की सौगात हम सभी को देंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे रिमोट बटन द्वारा मेट्रो की इन 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करें। भारतीय रेल में मेट्रो सेवाओं के विकास एवं विस्तार की अनवरत श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कदम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन। इसी क्रम में मैं आज उद्घाटित हुई इन महत्वपूर्ण मेट्रो रेल की परियोजनाओं के मुख्य बिंदु एक लघु चलचित्र के माध्यम से आप सभी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत। पश्चिम बंगाल, जिसे भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके संकल्प पर, उनकी गारंटी पर, पश्चिम बंगाल का तेज विकास हो, यहाँ के लोगों की समृद्धि सुनिश्चित हो, विकसित बंगाल से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो, इसी लक्ष्य के साथ मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी के विस्तार पर किया है अभूतपूर्व निवेश। पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूर्व में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वोटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज दी जा रही है मेट्रो से जुड़ी 15,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। कोलकाता मेट्रो की परियोजनाओं में शामिल हैं हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो सेक्शन, कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन, हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेक्शन और तारातला माझेर हाट मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन। साथ ही प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कोलकाता मेट्रो के इन नवनिर्मित सेक्शनों पर मेट्रो सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन पर हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर रिवर टनल में मेट्रो का हो रहा है शुभारंभ। इन मेट्रो सेवाओं के संचालन से हावड़ा और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी होगी सुगम। कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन एवं हेमंत मुखोपाध्याय स्टेशन के बीच मेट्रो सेवाएं शुरू होने से महानगर की व्यस्त ट्रैफिक में आएगी कमी। वहीं पश्चिम कोलकाता एवं उपनगरीय क्षेत्रों में सब अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मिलेगी मजबूती। पश्चिम बंगाल के सर्वांगीण विकास के ऐसे मजबूत इरादे से ही तो बनी है मोदी सरकार की गारंटी। आधुनिक शहरी परिवहन के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण में देशवासियों की यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाया है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का परिचालन 5 शहरों में किया जा रहा था, वहीं आज देश के 20 शहरों में 900 किलोमीटर से अधिक मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि 27 शहरों में लगभग 958 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का कार्य समाप्त होने को है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में भूमि पूजन के साथ पुणे मेट्रो की आधारशिला रखी गई। पुणे मेट्रो 33 किलोमीटर लंबी परियोजना है। आज रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक 6 किलोमीटर का सेक्शन संचालन के लिए तैयार है।
और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पीसीएमसी से निगड़ी तक के एक्सटेंशन का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। कोची देश की पहली मेट्रो प्रणाली है जो रेल, सड़क और जल परिवहन सुविधाओं को जोड़ता है। कोची मेट्रो के फेज वन की लंबाई लगभग 28 किलोमीटर से ज्यादा है। आज कोची शहर के परिवहन की एक महत्वपूर्ण कड़ी त्रिपुनेथुरा मेट्रो टर्मिनल का उद्घाटन हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है। अब आगरा में ताज ईस्ट गेट से मन कामेश्वर तक निर्मित 6 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंडरग्राउंड सेक्शन को 2 साल से भी कम समय में शुरू करके नया कीर्तिमान बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आगरा में मेट्रो रेल सेवा का होने जा रहा है शुभारंभ। नमो भारत ट्रेन के साथ देश में शुरुआत हुई एक नए अध्याय की। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इसी कड़ी में आज दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ के बीच का 17 किलोमीटर लंबा दूसरा खंड भी जुड़ने जा रहा है, जिसके साथ साहिबाबाद से मोदी नगर नॉर्थ तक 34 किलोमीटर के खंड पर नमो भारत ट्रेनें दौड़ेंगी। इस खंड का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आज देश के शहरी परिवहन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य जनता को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना है। विकास की इन सुंदर झलकियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर अनुरोध कि भारतीय रेल के विकास की गति को शक्ति देने हेतु कवि सुभाष, तारा ताला, रूबी हाल क्लिनिक, एसएन जंक्शन, दुहाई एवं ताजमहल गेट से 6 नई मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर उनकी प्रथम यात्रा का शुभारंभ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर रवाना। कवि सुभाष से हेमंत मुखोपाध्याय, ताराताला माझेरहाट, रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाणी, एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा, दोहाई से मोदीनगर नॉर्थ, ताज पूर्वी गेट से मन कामेश्वर मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और इसी के साथ उद्घाटन भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद है। आपको बता दें कि हुगली नदी के नीचे बना है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का रास्ता। तो प्रधानमंत्री युवाओं को भारत की ताकत के रूप में प्रधानमंत्री